अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पॉपुलैरिटी मिलती ही उन लोगों को है जो ना सिर्फ फुल टाइम बल्कि पार्ट टाइम भी गंजर हूँ, और जिनको अपनी बहनें बेटियाँ नचवाना आता हो, जिन्हें अपनी इज्जतें नीलाम करवाना और बहनों बेटियों के जिस्म बेचना आते हों। मिरासियों का यही काम है। आज की वीडियो में आप एक मिरासी को देख रहे होंगे, इन दोनों के करतूत भी एंड तक देखिएगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है, सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन भी ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो मनासिर आपके सामने हैं। ये टिकटॉकर अली हैदर आबादी है। सारा साल इनके क्या करतूत होते हैं वो सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। किस तरह बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगाकर ये लोग बदमस्त हाथी बने रहते हैं। नाचना गाना इनके लिए आम है। जिनाकारियां करना, बुराइयां करना, मॉडर्नपन के नशे में धुत रहना इनके लिए नॉर्मल सी चीज़ है। असल में अगर हदूद पार करते हैं तो बन जाए अंग्रेज़ों जैसे, गैर मुस्लिमों जैसे, लेकिन असल दुख तब होता है जब यही लोग या हुसैन कहते हुए मुहर्रम के दिनों में बाहर निकल आते हैं, और या हुसैन करने वाले ही हदें पार करते हुए सारा साल गंदगी और बेहयाई करते हैं। सबीलें लगाना या फिर बैठकर नौहे सुन लेना हुसैनी नहीं बनाता, ईमान वाला नहीं बनाता। हुसैनी तो असल में वो हैं जो मुहर्रम के दिनों में रोज़े रखते हैं, जो अल्लाह को याद करते हैं, जो असल मानों में वाकया करबला से सबक सीखते हैं। इन नाचने गाने वालों से ना तो हमारा ताल्लुक होना चाहिए था और ना ही हम इन्हें फॉलो करते, मगर हमारी कौम इन्हीं के पीछे पागल है और ये लोग अपनी जहालत के पीछे पागल। अल्लाह पाक हमें इनके शर से महफूज रखे। राय दीजिए आज की वीडियो पर, इसे शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें, नोटिफिकेशन भी ऑल पर सेलेक्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की अशद जरूरत है।